हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निकिता चौधरी, रक्षित ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं सुबह से, और सुबह का अभी बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं, ये बजे नहीं है, बजने वाले हैं 9:45 हो रहे हैं। और मैं रक्षित का स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। रक्षित का स्कूल खुल गया है, कल से स्कूल स्टार्ट हो गया। और रक्षित का स्कूल छोड़ के आके मैं अभी करी नाश्ता। और देखिए कि विंडो से इतना धूप आ रहा है, इसलिए मैं इसको ढक दूंगी। तो चलिए, अपना सब कर लिया मैंने, और नाश्ता करने के बाद तो इतना काम है मैं क्या बताऊं। तो चलिए अब काम करती हूँ। काम करते करते आप लोगों से बात भी करती हूँ, और आप लोगों से शेयर भी करती हूँ थोड़ा बहुत काम। देखिए मैं रूम में आ गई हूँ, और आके और देखिए मैं बेड का हालत, और मच्छरदानी भी नहीं खोली हूँ अभी, तो मैं काम में लग गई। तो चलिए मैंने पहले ड्रेस वगैरह चेंज कर ली थी। देखिए मैं ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ करके, अब मैं करूँगी घर का सब काम, और काम करते करते आप लोगों से बात भी करूँगी, और काम वगैरह सब शेयर भी करूँगी। तो चलिए झटपट से कर लेती हूँ करके, फिर रक्षित को जाना है स्कूल लेने के लिए। तो पहले काम करती हूँ। और देखिए नेक्स्ट काम है मेरा लंच, और है सुबह का नाश्ता का बर्तन। तो देखिए यहाँ पे लंच का मैं भी काम में मैं आ गई हूँ लंच बनाने। और इधर देखिए, इधर कुकर में चढ़ा हूँ दाल, और आलू और टमाटर बॉयल हो रहा है, इसका बनाऊंगी मैं आलू और टमाटर का भरता। तो चलिए मैं बनाऊंगी ये दोनों का भरता, और बनाऊंगी दाल। और सुबह मैंने नाश्ता में बनाई थी आलू और मटर का सब्जी, तो मैं और कुछ भी नहीं बनाऊंगी, बस यही आज का लंच और नेक्स्ट काम। तो चलिए अब फिर से मिलते हैं तीसरा काम में, कर लूँ मैं पहले उसके बाद। इधर देखिए तीसरा काम में मैं आ गई हूँ, और तीसरा काम है मेरा नाश्ता का बर्तन। तो देखिए यहाँ कितना सारा बर्तन पड़ा है, तो ये सब बर्तन मुझे धोना है, तो ये सब बर्तन मुझे धोना है। और सुबह ही देखिए मैंने कपड़ा वगैरह धो के सुखा दिया था, और रक्षित ड्रेस चेंज करके स्कूल गए, तो वो कुछ कपड़ा वगैरह जो सुबह पहना था वो धोने के लिए मैंने रखा है। तो चलिए अब मैं बर्तन का, सुबह का नाश्ता का बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोग उसे फोर्थ काम में। और कोई वो फोन नेक्स्ट काम है मेरा थोड़ा घर का, मतलब किचन का, थोड़ा पोछूंगी डिब्बा वगैरह पोछ पछ के सब रखूंगी। तो चलिए पहले पोछ देती हूँ, अब आप लोगों से शेयर भी कर दी हूँ। Thank you.
एक काम भी हो गया मेरा, और आप देखिए इधर दाल और आलू बॉयल और टमाटर बॉयल भी हो गया है। तो चलिए मैं इसका भरता बना लेती हूँ, और दाल तो हो ही गया है, दाल को छौंक लगा लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से। और देखिए सब काम मेरा हो चुका है, गैस वगैरह क्लीन, और देखिए लंच का बर्तन भी मैंने धो लिया है, और सब कुछ हो चुका है, और इधर देखिए इधर भी सब क्लीन, तो सब क्लीन हो चुका है। और अब जाऊंगी मैं रेडी होने, तो रेडी होके जाऊंगी रक्षित को लेने के लिए, सब कुछ तो क्लीन ही है। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ होके, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, और नेक्स्ट काम है मेरा रक्षित को लाना, तो चलिए चलती हूँ रक्षित को लेने। मैं रेडी हो गई हूँ चारों रक्षित को लेने के लिए, तो चलिए रक्षित को लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मार्केट, तो सब कुछ आप लोगों से देखिए। मैं रक्षित को लेके स्कूल से आ गई हूँ, और ये देखिए ये है रक्षित। हाँ स्कूल में क्या क्या बोलो, तो ये चॉकलेट खा के दांत काला कर लिया देखो। तो चलिए मैं ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ा देर में। खेल रहे देखिए कैसे बालू से, डस्टबिन, गाड़ी, डंपर, सब कुछ लेके रक्षित आज खेल रहा है। स्कूल से आ गया है आप लोग तो देखे ही, और अब मैं उसको है नहलाने के बारे, अब मैं उसको नहलाऊंगी, तो चलिए नहला देती हूँ पहले। इधर देखो तो बेटा बाय, रक्षित को नहलाने के बारे, रक्षित का खेलना हो गया है। गाँव पर देखिए उधर खेल रहे हैं रक्षित, इधर देखिए रक्षित खेल रहे हैं। तो चलिए मैं रक्षित को नहलाती हूँ, और लंच में क्या बना वो थाली सजा के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोगों को तो इससे पता ही है लंच में क्या बना है। देखिए मेरा मेहंदी लगाना हो गया है कंप्लीट, और मेहंदी मेरा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और बाद में आप लोगों को मैं मेहंदी निकालने के बाद दिखाऊंगी कलर कैसा, और करवा चौथ का शॉपिंग वगैरह सब कुछ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। धैर्य रखिए, सब्र करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जब मेहंदी सूख जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को शॉपिंग वगैरह सब कुछ शेयर करूंगी, और पूजा का सामान भी खरीद लिया, क्या क्या खरीदा है सब दिखाऊंगी। वेट एंड वॉच। देखिए मैं मेहंदी लगाने के बाद, देखिए मेहंदी मैं निकाल चुकी हूँ, निकालने के बाद मैं आ गई हूँ आप लोगों से शेयर करने, मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ, करवा चौथ का क्या क्या शॉपिंग है। मैं बोली थी आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगी जब मेरा मेहंदी निकल जाएगा तब, और देखिए कैसा कलर आया आप लोगों से दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ जो जो मैंने शॉपिंग किया है। तो चलिए फर्स्ट दिखाती हूँ जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया था मीशो से, जिसके बिना तो हम करवा चौथ कर ही नहीं सकते, तो वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैंने खोला भी नहीं है क्योंकि रक्षित बहुत तंग करता है, इसलिए मैंने खोला भी नहीं है। और देखिए क्या क्या भी है, और मैंने परचेस किया है, ये देखिए है लोटा, ये है छलनी, और ये देखिए करवा चौथ व्रत का था, और ये है थाली, और इसके साथ छोटा छोटा एक देखिए दिया दिखाने के लिए, और ये अगरबत्ती मोमबत्ती कैंडल मिला है। ये सब मैंने ऑनलाइन परचेस किया और बहुत ही अच्छा आया है, देखिए एक बार करीब से मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, और देखिए बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए उसके बाद में एक बार में पैक करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और देखिए ये मैंने एट भी ऑनलाइन मैंने परचेस किया है, ये ज्वेलरी है महारानी हार है, तो वो भी मैं आप लोगों से दिखा देती हूँ। और देखिए एक चीक है, जो आप लोग मेरा दुर्गा पूजा में भी देख चुके हैं, मैं पहनी थी, और ये देखिए है करवा चौथ के लिए, ये है महारानी सीताहार, ये भी मैंने मीशो से ऑनलाइन परचेस किया, ये भी बहुत ही अच्छा है। और ज्वेलरी मुझे लगता है मीशो से बहुत ही अच्छा आता है। और देखिए क्या मस्त आया है, और देखिए बहुत ही सुंदर है, कल मैं पहनूंगी, तो कल मैं आप लोगों से
शेयर करने वाली और इसके साथ इयर रिंग्स भी है। देखिए और फाइनली मैं दिखाती हूँ अपना करवा चौथ का साड़ी ऐसा है। ये मैंने ऑनलाइन परचेस नहीं किया, ये मैंने ऑफलाइन लिया था एक शॉप से। तो चलिए मैं सब समेट लेती हूँ। और मैंने बैंगल्स भी लिया है बट वो मुझे पता नहीं कहाँ रखी हूँ मैं कल आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो चलिए अब बेल्ट वगैरह भी लगाना है, मैं रेडी करने जा रही थी फिर याद आया आप लोगों से शेयर किया ही नहीं। तो चलिए अब कर इस वीडियो कर यहीं पे खत्म। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये सब समेटना है मुझे, तो उसके चिल एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को करवा चौथ ब्लॉग्स मिलने वाला है। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, करवा चौथ ब्लॉग्स मिलने वाला है। तो चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट। रक्षित से भी बुलवाऊंगी 2 मिनट्स। किसू दे प्लेंगे से चल चल। तो चलिए बाय बाय।